हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ किचन के अमेजिंग टिप्स दिखाने वाले हैं। देखिए, हम बाज़ार से ये कुछ हम ये बर्तन लेकर आए थे और इस तरीके के सभी ज़्यादातर बर्तनों में स्टीकर ये लगे होते हैं, उनको छुटाना ही मुश्किल होता है। धूरी वगैरह से छुटाने की कोशिश करते हैं लेकिन उससे खरोच वगैरह लग जाती है, तो उससे हम आसानी से कैसे छुटाएँ यह हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमने चूल्हे को ऑन कर लेंगे और इसको हम चूल्हे पर रख देंगे। फ्लेम स्लो होनी चाहिए और इसको एक मिनट रख देंगे चूल्हे पर और इसको थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाए तो देखिए इस तरीके से हम आराम से बहुत ही आहिस्ते से छुटाएँ और ये बहुत ही आसानी से छूट जाता है। देखिए कितनी आसानी से ये छूट रहा है, बिल्कुल पूरा जो स्टिकर था वो छूट चुका है, कहीं से भी स्टिकर बचा हुआ नहीं है। अब हमारा ये बर्तन बिल्कुल साफ हो चुका है, आप इसको बस डिशवॉश से धोएं और आप इस्तेमाल कर लें। हमारी इस टिप्स आपको कैसी लगी? अब हमारी अगली टिप्स ये है कि देखिए हम ये बर्तन हमारा ये नया है और जब हम बर्तन को एकदम नया इस्तेमाल करते हैं तो उसमें खाने बर्तन में कुछ छेद वगैरह लग जाए हो जाते हैं जब इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमने ये इस तरीके से हमारा ये बर्तन में छेद से हो गए हैं। अब ये छेद ना हो इसके लिए हमें क्या करना है? जब भी हम कोई भी नया बर्तन कढ़ाई पैन या भगोना पतीला जो भी खरीद कर लाएं, सबसे पहले आप ये करें उस बर्तन में दूध लें। ये ज़रूरी नहीं है कि उस बर्तन में ज़्यादा ही दूध हो, थोड़ा सा दूध लें और उसमें डाल दें। मैंने पूरा ही इसमें दूध डाल दिया है, आप थोड़ा ही दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको दूध को हम चूल्हे पर रख लेते हैं। देखिए हमने दूध को चूल्हे पर रख लिया है और इसको गर्म होने देते हैं। इसकी जो ये चिकनाई वगैरह होती है इससे इसके जो छेद होते हैं वो खुलते नहीं हैं और हमारा बर्तन बिल्कुल साफ़ रहता है, चिकना सा। और इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा इसको आहिस्ता आहिस्ता उबालेंगे एक दो बार और फिर बंद कर देंगे गैस, फिर थोड़ा हल्का कर देंगे फिर बंद खोल देंगे। और इस तरीके से दो तीन बार आप इसको ऊपर तलक उबाल लें और फिर गैस को बंद कर दें। इस तरीके से हमारा बर्तन में छेद कभी नहीं पड़ेंगे, थोड़े थोड़े छेद हो जाते हैं जो साफ़ करने परेशानी हो जाती है। अगली टिप्स हमारी इस तरीके की प्लास्टिक के जो डब्बे आते हैं उसके लिए हैं। हमने ये पीनट्स बटर का डब्बा था मंगाया था बाज़ार से और इसमें ये डिब्बा खाली हो गया है। अब इसको छुटाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए हम ये छुटा रहे हैं और बिल्कुल हमारा ये आसानी से नहीं छुट रहा, तो इसको क्या करें? सबसे पहले इसको ये करते हैं कि इसको गर्म पानी लें, ज़्यादा गर्म ना हो, अगर ज़्यादा भी गर्म होगा तो डब्बा पिघलने का ख़तरा रहेगा। इतना गर्म लें कि डब्बा सहन कर सके और इसको ढकना लगाकर कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसको छोड़ दें। देखिए डब्बे हमारे किसी ना किसी चीज़ में किचन में कोई भी चीज़ रखने में काम में आ ही जाते हैं। देखिए हमने इसको 10 मिनट छोड़ दिया है इस तरीके से। अब हम इसको छुटाते हैं, देखिए ये आसानी से छूटने लगता है। हम अगर छुरी से छुटाते तो छेद भी हो सकता था और खरोच वगैरह भी लगती जाती है। अब इसको पानी को गर्म ही इसमें रहने देना है और हमें पानी नहीं फेंकना है और इसकी जो अंदर की हीट होगी उससे ये गोंद जो इसमें लगा है वो आसानी से छूट जाएगा। देखिए ये छूटने लगा है। बस 5 से 10 मिनट इसको आप रख दें और उसके बाद छुटाना शुरू कर दें। पानी भी ठंडा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से ये
छुट जाएगा पूरा। देखिए हमने पूरा ये छुटा दिया है। अब इस तरीके का देखिए ये थोड़ा अभी हमें इसको और अभी साफ़ करना है, क्योंकि इसको ज़्यादा इस पर गोंद वगैरह लगा हुआ था। तो इसको करना क्या है, हम एक कटोरी लेंगे और उसमें हम एक से दो चम्मच रिफाइंड या सरसों का तेल लें इस तरीके से, और उसमें हमें डालना है खाने वाला सोडा। एक चम्मच ये खाने वाला सोडा डाल दें इस तरीके से, और इसमें थोड़ा सा हमें डालना है डिश वॉश इसको, डिश वॉश को भी इसमें हम डाल देते हैं। दो चम्मच हम डिश वॉश के डाल देते हैं। और इसको स्क्रबर से हम इसको जो इसका ये ग्लू वगैरह है, ग्लू वगैरह जिस पे चिपका हुआ पदार्थ, इसको इससे रगड़ कर साफ कर देंगे, ताकि इसमें जो ये चिपकन है सारी खत्म हो जाए और हमारा डिब्बा किसी भी चीज़ के रखने में इस्तेमाल हो जाए। पानी अभी भी इसके डब्बे के अंदर है, हमने अभी पानी डब्बे के अंदर का फेंका नहीं है। और देखिए हमारा ये डिब्बा ऊपर से भी हमने ये छुटा दिया है, इसका स्टिकर जो लगा हुआ था। देखिए हमारा डिब्बा बिल्कुल साफ हो गया है, धोकर भी हम दिखाते हैं आपको। इसका पानी हम फेंक देते हैं। हमारी आपको ये टिप्स कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली टिप्स हमारी चीनी को लेकर है। अक्सर बरसात के मौसम में चीनी इस तरीके से सील जाती है, और देखिए कितनी ये गीली गीली सी लग रही है, और ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए इसको हम कुछ टिप्स बताएंगे आपको। देखिए इसको गीला सूखा करने के लिए हमने एक कपड़े की छोटी सी कपड़ा लिया है, उसमें हमने एक चम्मच चावल लिए हैं। चावल कोई से भी ले सकते हैं, नॉर्मल चावल हो चाहे बासमती या सेला चावल हो, उसको हम एक पोटली सी बना देते हैं इस तरीके से। और इसको चीनी के अंदर डब्बे में, चीनी के अंदर बिल्कुल रख देते हैं, और चीनी ऊपर से डाल देते हैं देखिए इस तरीके से। और इसको दो तीन दिन के लिए हम रख देते हैं। अब देखते हैं, देखिए हमारा दो तीन दिन हो चुके हैं, और देखिए हमारी चीनी पहले से कितनी सूखी हो गई है। और इसको देखिए बिल्कुल सूखी हो गई है ये, इसका चावल ने सारा इसका गीलापन जो नमी थी वो सोख लिया है, बिल्कुल दाना दाना सूखा हो गया है। आपको ये टिप्स कैसी लगी कमेंट्स में बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए अगली टिप्स हमारी नमक को लेकर है। बरसात में नमक सील जाता है देखिए इस तरीके से, और वो गीला गीला सा बुरा लगता है देखने में भी, और मसाले वगैरह किसी चीज़ में भी डालने में बहुत बुरा लगता है। हम उसको सुखाने के लिए लेते हैं, हमने एक कटोरी इस तरीके से चावल लिए हैं, चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, और इसमें इसको नमक में मिला दें इस तरीके से। चावल नमी को सोखता है, और ये बिल्कुल गीलापन इसका ख़त्म हो जाता है, और हमने इसलिए इसको नमक में मिला दिया है। अब हमने तीन चार दिन बाद इसको देखा, और इसको हमने देखिए बिल्कुल हमारा ये सूख गया है। हमने एक चलनी ली है, और इसको हम चलनी में लौट देते हैं सारा नमक, और इसको छान लेते हैं चलनी में।
नीचे हमने दूसरा बर्तन रख दिया है और इसको इस तरीके से छान लेते हैं। हमारे सारे चावल ऊपर हो जाएंगे और नमक हमारा नीचे हो जाएगा और बिल्कुल सूखा होगा, बिल्कुल उसमें गीलापन नहीं रहेगा, क्योंकि चावल में कुछ ऐसे वो होते हैं जो इसको नमक की नमी को सोख लेते हैं। तो देखिए हमारे इस तरीके से ये चावल सारे निकल चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें कि हमारी आपको ये टिप्स कैसी लगी। और देखिए ये बिल्कुल नमक कितना सूखा हो गया है। और अब हम इसको डब्बे में लौट लेते हैं। हमने अपने चैनल पर और भी तरीके की सोना चांदी पीतल प्लास्टिक सबको साफ़ करने का तरीका बताया है, लोहे को साफ़ करने का तरीका बताया है, आप उसको देख सकते हैं। अक्सर देखिए जब हम खाना बनाते हैं और इस तरीके से हमारा ये किचन ये गंदा हो जाता है, आटा चारों तरफ गिर जाता है चकले बेलन से जब हम रोटी बेलते हैं और चूल्हा भी गंदा हो जाता है। अब हम इसके लिए क्या करें, हमने पहले सबसे पहले एक अखबार बिछा लिया है और उसको चकले रख पे अब रोटी बेलते हैं इस तरीके से। इस तरीके से बेलने से होता यह है कि अखबार पे हमारा सारा जो आटा होता है रोटी का सूखा आटा वो नहीं गिरता नीचे और हमारा आटा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इस तरीके से हम देखिए हमारा आटा वेस्ट नहीं होता है और किचन भी हमारा साफ सुथरा रहता है। देखिए हमने इस तरीके से अखबार बिछा दिया था और अब हमारा देखिए बिल्कुल किचन प्लेटफार्म जो है बिल्कुल साफ है। और अगर थोड़ा बहुत है भी तो आप इसको स्पंज से देखिए साफ एकदम बहुत जल्दी हो जाता है और हमारा टाइम भी कम लगता है। इससे हमारा वक्त की बचत होती है। आपको हमारी टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगली टिप्स हमारी ये है, अक्सर हम कभी भी जब दाल बनाते हैं और एक टाइम तो हम खा लेते हैं और दूसरे टाइम हमारे बच्चे या घर पे हमें खाना पसंद नहीं होती। अब हम इस दाल को क्या करें, अगर हम फेंकते हैं तो वो भी सही नहीं है, तो इस दाल को हम इस्तेमाल कैसे करें, हमने ये करते हैं आटे में इस दाल को भून लेते हैं, हमारी दाल भी फेंकने से बच जाएगी और हमारा ये आटे में भी हम इसको भून लेंगे। देखिए इस तरीके से हम आटे को में मिला लेते हैं सारी दाल को और इसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। हालांकि हमारी दाल में नमक है मगर फिर भी हम थोड़ा सा इसमें नमक और मिला लेते हैं। इससे मिलाने से हमारा देखिए रोटी भी बहुत नरम बनेगी और विटामिनों से भी भरपूर रहेंगी और हमारी दाल फीकेगी और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसको हम इस तरीके से गून लेते हैं। देखिए हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट आटा गून लिया है। अब हम इसके आप इसको चाहे पूरी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं या रोटी सादी रोटी बना सकते हैं, किसी भी तरीके की आप इसको रोटी बना सकते हैं जो पौष्टिकता से भरपूर रहेगी, विटामिनों से भरपूर रहेगी